तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम ने ये जो कोड किया है ईमेल टेक्स्ट बॉक्स का वैलिडेटिंग इवेंट को क्रिएट करते हुए, तो अब हम अपने इस मैसेज बॉक्स, तो अब हम इस बटन के ऊपर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि जब बटन को क्लिक करें तो हमें ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो मैसेज शो करे अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो इसके नीचे हम कोड करेंगे इसके लिए, एल्स इफ। तो इसके लिए हमारे पास जो होगी वैलिडेट चिल्ड्रन, तो हम इसके लिए ये यूज करेंगे। उसके बाद वैलिडेशन कॉन्स्टेंट्स डॉट इनेबल, ओके। उसके बाद मैसेज बॉक्स डॉट शो, और उसके अंदर हम मैसेज उस टेक्स्ट बॉक्स को कॉल करेंगे जिसके लिए हमने ये टेक्स्ट वैलिडेटिंग प्रोसीजर बनाया है। तो इसको क्या नाम है, ईमेल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट मैसेज, हेडिंग उसकी रख देते हैं हम मैसेज हेडर मैसेज। उसके बाद मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके, मैसेज बॉक्स आइकन डॉट इंफॉर्मेशन। तो अब इस एप्लीकेशन को हम रन करके देखते हैं कि ये काम कर रही है नहीं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट बटन काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसमें कुछ वैल्यूज मैं ऐड करता हूँ, हमारा ये काम कर रहा है, जी कर रहा है। उसके बाद तो ये देखिए हमें इसमें इस तरह का मैसेज बॉक्स शो होगा, एंटर ईमेल फर्स्ट। तो ये एक हमारे पास एडवांस मेथड है एरर हैंडलिंग के लिए, एरर वैलिडेशन मेथड, एरर का वैलिडेशन मेथड एरर प्रोवाइडर को यूज़ करते हुए। तो इसमें हम एरर प्रोवाइडर को यूज़ करते हुए एरर वैलिडेशंस का यूज़ एरर वैलिडेशन फॉर्म वैलिडेशन में यूज़ करते हैं। तो हमें शो करवा रहा है कि एंटर ईमेल फर्स्ट। तो जैसे ही हम इसमें ईमेल देंगे, तो हम क्लिक करेंगे तो हमें ये शो करवा रहा है कि आपने ये ईमेल दिया है। ये क्यों शो करवा रहा है, क्योंकि हमने मैसेज बॉक्स के अंदर इसको शो करवाया था। अगर हम मैसेज बॉक्स को ऑफ कर दें, इस वाले मैसेज बॉक्स को, तो फिर ये हमें शो नहीं करवाएगा। तो इस मैसेज बॉक्स की हमें ज़रूरत नहीं, तो इसको हम खत्म कर देते हैं। तो इसकी जगह हम ईमेल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू तो इसे हम कर देते हैं डॉट इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू। तो रन करके देखते हैं, तो इधर मैं देता हूँ
देखिए जी, हमें एरर दे रहा है, और अगर मैं इसे टेक्स्ट देके तो अब हमें कोई एरर नहीं शो हो रही। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये वैल्यू सारी मुझे एक मैसेज बॉक्स या फिर मुझे ये सारी वैल्यू एक लिस्ट बॉक्स के अंदर शो हूँ या रिच बॉक्स, रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले हम एक लिस्ट बॉक्स लेते हैं, तो इसे मैं इधर ऐड करवा लेता हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर लेते हैं, गेट वैल्यू। ओके, तो मैं क्या करूँ, जब बटन को क्लिक करूँ तो मेरे पास इधर क्या हो, सारी वैल्यूज आ जाएं। तो क्या करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारा टारगेट है, यानी कि हमने लिस्ट बॉक्स के अंदर वैल्यूज को शो करवानी है, जो वैल्यू हमें यहाँ से आएंगी, तो क्या करेंगे उसके लिए, तो कोड करते हैं, गेट लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट एड। किसकी वैल्यू को हमें ऐड करना, सबसे पहले हमारा है नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, उसके बाद हमारा है डॉट आइटम्स डॉट एड, तुम्हारा है जेंडर कम बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और उसके बाद गेट डॉट आइटम्स डॉट एड, और ईमेल डॉट टेक्स्ट। तो रन करते हैं, मेल और उसका मेल ओके। जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मुझे सारी वैल्यूज इसके अंदर शो हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हमें फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए।